नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है, जहां पर पुलिस ने कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से दो नाबालिग भी हैं। हाल ही में हुई घटना को लेकर कोई अफवाह नहीं फैल पाए, इसके लिए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बैन कर दिया है और धारा 144 भी लागू कर दिया है। इसके अलावा कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में दो FIR दर्ज की थी। इन दोनों FIR में कुल 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया और को जुबिनायल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार यानी कि 6 जून को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था। दूसरे दिन कुछ स्थानीय लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया था। इसके बाद आसपास के इलाकों के राजनीति और सामाजिक संगठन बुधवार को प्रदर्शन करने के लिए उतर आए थे। इस प्रदर्शन के दौरान किसी ने भीड़ पर पथराव कर दिया और इस पथराव के बाद स्थिति बिगड़ गई और इलाके में हिंसा फैल गई।